गणेश चतुर्थी के इस खास अवसर पर हम एक ऐसे स्थल पर हैं जो सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखता बल्कि अपने ऐतिहासिक और कला के प्रदर्शन के लिए भी मशहूर है। आज हम आपको लेकर आए हैं वडोदरा के श्रीमान धुंधीराज गणपति मंदिर में, एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि संस्कृति की गहराई को भी महसूस किया जा सकता है। ये मंदिर की पहचान सिर्फ एक पूजा स्थल के रूप में नहीं बल्कि इसकी शांति और दिव्य वातावरण के लिए भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। गणपति वंदन करूं मैं, नाम संकीर्तन करूं। इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग सी पॉजिटिविटी फील होती है और हमारी नजर पड़ती है भगवान गणेश के वाहक मूषक देव पर, जो भक्तों का स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये मंदिर शायद इसलिए भी इतना खास है क्योंकि इधर के जो मूषक है वो साधारण प्रतिमाओं की तरह भगवान गणेश के चरणों में नहीं बल्कि पूरे मंदिर परिसर के आंगन में स्वतंत्र रूप से विराजमान है। गणपति वंदन करूं मैं, नाम संकीर्तन करूं। और इस मंदिर के आंगन में आपको लक्ष्मी और कुबेर जी की भी प्रतिमाएं देखने को मिलेगी जो इधर के आए हुए भक्तों को धन सौभाग्य और स्मृति का आशीर्वाद देता है और यही वो बात है जो इस मंदिर को और अद्भुत और भव्य बनाता है। अगर इस मंदिर की खूबसूरती की बात करें तो वाकई में काबिले तारीफ है। ये मंदिर का हर एक कोना, जहां पर भी आप अपनी नजर घुमाएंगे, कला का एक अनमोल उदाहरण देखने को आपको मिलेगा। ये जो लकड़ी की सुंदरता है, जो लकड़ी पर डिजाइन की गई है, इतनी सुंदरता और इतनी बारीकी से मानो कलाकार ने अपनी आत्मा उसमें डाल के रखती हो। ये जो प्राचीन वास्तुकला है यही भक्तों को आकर्षित करती है। कई सालों से ये नौकुटी नारायण गणपति दादा कहते थे। ये कई लोग स्वामीनारायण मंदिर वाले भी यहाँ से पूजा के लिए पेशर स्थापना करने के लिए ले गए, ले ये करते थे। यहाँ बहुत पुराना, मतलब हम बहुत पुराने से रहते हैं, बहुत जुने हैं हम पर कई सालों से रहते हैं यहाँ। और ये मंदिर 200 साल पुराना है तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये मंदिर बहुत गुणकारी है। जो मंगलवार चतुर्थी ये दिन भरे ना, उनका काम सफल हो जाता है, कोई पन काम करे तो। इस मंदिर को इच्छा पूर्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, धुंधीराज गणपति मंदिर। ये गणपति मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी कोई कहानी या मान्यता जो आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले सभी दर्शक मित्रों को जय गणेश, सबको गणपति जी के आज के आगमन की सबको शुभकामनाएं। ये मंदिर मैडम बहुत पुराना मंदिर है और ये गोपाल राव मैराड़ जो इस मंदिर जिन्होंने बनाया है वो उन्होंने मंदिर बनाया था। ये मंदिर की आपने कथा पूछी तो मैं एक छोटी सी बात ही आपको बताना चाहता हूँ। जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे तब को उस टाइम पे गोपाल राव मैराड़ ने 9 करोड़ रुपये की लोन दी थी। तब के जमाने में आप सोच लो, आज के 9 करोड़ तब के 9 करोड़। इसलिए इस मंदिर को नवकोटी नारायण कहते हैं। नवकोटी मतलब 9 करोड़, इस मंदिर की मान्यता है। और इस मंदिर में जैसा अंकल ने बताया वैसे ही कि जो कोई भी हर मंगलवार है या चतुर्थी है, जो कोई भी अपने सच्चे मन से और श्रद्धा से गणपति जी को प्रार्थना करेगा उसकी मनोकामना पूरी होती है और होती है।
ये मेरा दृढ़ विश्वास है और क्योंकि मैंने ये अनुभव किया हुआ है इसीलिए। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है, आपने 200 बोला, करीबन 500 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है ये, इसलिए मंदिर बहुत आस्था की दृष्टि से बहुत है और सबसे पुराना मंदिर है बड़ौदा में, सबसे पुराना मंदिर ये है। और आपको इस मंदिर के बारे में कब पता चला और आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? मुझे मेरी एज अभी 30 इयर्स है, मैं जब से छोटा था, मेरा जन्म भी इधर का है, मैं रहता भी इधर ही हूँ। छोटा था तब से पहले पापा लेके आते थे, मम्मी पापा के साथ आता था, रोज डेली आना होता ही है, इनके दर्शन किए बिना मैं कहीं जाता नहीं हूँ। और यहाँ पे रहने वाले सभी लोग इनके दर्शन किए बिना कोई जाता नहीं है किधर भी। और इधर के जो मूषक देव है वो मंदिर के आंगन में विराजमान है, और आप बाकी मंदिर में अगर देखेंगे तो वो गणेश जी के चरणों में पाए जाते हैं, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? इसकी खास कहानी? इतना कुछ पता नहीं है, पर इतना है कि मूषक राज के कान में आप जो भी बोलोगे वो सीधा गणपति जी के कानों में जाएगा और आपकी इच्छा वो जरूर पूरी करेंगे, ऐसा है। इस मंदिर की क्या विशेषता है? विशेषता यानी ये है कि भाई ये मंदिर बहुत जूना पुराना है, 150-200 साल जूना पुराना है। यहाँ पे जब स्थापना हुई उस टाइम पे स्वामी नारायण के बड़े महाराज थे, वो भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ से, और यहाँ का जो कुआ है उसमें से तो जल लेकर स्वामी नारायण मंदिर भी ले गए थे। उस स्वामी नारायण मंदिर के मूर्ति को भी उन्होंने स्नान कराया था। और ये इतना अपना जो श्रद्धा रखते हैं वो श्रद्धा उसकी पूरी होती है, मनोकामना पूरी करने वाले ये बहुत असाध्य साध्य गणपति है। और ये जो है वो कोई भी इंसान खुद की मनोभावना से यहाँ पे दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूरी करता है। और ये अपना मराठी लोगों का और हिंदू लोगों का ज्यादा से ज्यादा ये देवत कहते हैं, वो आराध्य देव है। और इस मंदिर की जो प्राचीन वास्तुकला है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये उस टाइम पे जो मुगल शाही का कैसे होते हैं ना, इस तरह से ये लोग पुराने कारीगर थे, उन्होंने ये राजस्थान उधर से ये सब आकर उन्होंने बनाए लाए। अभी ऐसी कोई जगह पर ये अपना कलाकृति है नहीं। तो ये मंदिर जैसे कितना पुराना है, इतना प्राचीन है, तो तब से ये मंदिर को किसी मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे कैसे ही है? हाँ, ये क्या है, वो स्वयंभू उसकी रक्षा करते हैं, ये जो गणपति है वो स्वयंभू। आज इतना साल हो गए फिर भी इसको ना उदय ना गिरता है ना कुछ भी नहीं है, ऐसा ना ऐसा ही वो बनेला है, ऐसा ही वो अभी खड़ा है क्या ऐसा। और अभी जैसे कि वडोदरा में बाढ़ आई थी, हाँ, तो बारिश के वक्त भी इधर मतलब कुछ, हाँ, बारिश के वजह से भी इधर कोई तीव्र मात्रा यानी थोड़ा भी नुकसान के कुछ भी हुआ नहीं। तो जब भी आप वडोदरा में हो तो इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें, यहाँ का सफर, यहाँ की शांति का वातावरण और भगवान गणेश के दर्शन, ये सब आपको एक अलग ही जगह पर ले जाएंगे जहाँ आत्मा और भक्ति का अनुभव होता है।